सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्रोशिया हेयर बैंड। फ्रेंड्स, जिसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 mm क्रोशिया लिया है। एंड फर्स्ट हम धागा स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे एंड धागे को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। एंड फर्स्ट वाले चेन में से ही हम यहाँ पर ये देखिए धागा लेंगे, लूप, और यहाँ पर हमने 2 बार लिया एंड ये 3 बार। उसके बाद हम इसको चौथी बार लेंगे, तो टोटल 4 बार हमने धागा लिया। अब हम पॉप को बंद कर देंगे, ये देखिए, एंड फिर एक चेन लेंगे, ये देख सकते हैं आप, पॉप इस तरीके से बन गया है। अब यहाँ पे हम एक चेन लेंगे एंड फिर से हम धागा बड़ा करेंगे एंड 4 बार धागा लेके हम फिर से एक पॉप बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, चार बार धागा लेना है, एक पॉप में हमें 4 लूप लेना है और फिर पॉप को बंद करेंगे। एंड फिर जो फर्स्ट वाला पॉप बनाया था ना, उसका जो फर्स्ट वाला चेन था जो हमने क्रोशिया में धागा लेने के बाद बनाया था, वहीं पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉप इस तरीके से ज्वाइंड हो गए। एंड अब हम यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारे पॉप ज्वाइंड हो गए हैं। अब हम यहाँ पे चेन लेंगे, तो हमें टोटल यहाँ पे चेन लेना है 40 चेन लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से हम इसमें टोटल 40 चेन लेके, तो ये देखिए टोटल हमने यहाँ पे 40 चेन लिया है। आपको और बड़ा बनाना है तो आप और चेन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने तीसरे वाली चेन में 3 चेन स्किप करके चौथे वाले लूप में हमें डालना है और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा लूप बन गया इस तरीके से, एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद। तो अब हम थोड़ा सा धागा बड़ा करके इसी जो डबल क्रोशिया वाला लूप है ना, इसमें से हम इस तरीके से 13 बार धागा लेंगे, 13 लूप हम धागा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमने पॉप में धागा लिया था वैसे ही हमें 13 बार धागा लेना है। ये देखिए इस तरीके से, तो ये देखिए यहाँ पे हम इसे 5 भागों में डिवाइड करके पॉप बनाएंगे। तो ये 3 फंदे को हम एक साथ बंद करेंगे, फिर एक चेन लेंगे एंड फिर यहाँ पे इस तरीके से 3 लूप को हम बंद करेंगे एंड एक चेन लेंगे। एंड इस तरीके से 13 हमने लूप्स लिए थे, उसे हमने 5 भाग में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे टोटल हमारे 5 पॉप बन के रेडी हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम धागा बड़ा करेंगे एंड जो हमने एक चेन लिया था ना, उसी गैप के बीच से हमें 3 बार धागा लेना है। फिर नेक्स्ट वाले में से भी हम 3 बार धागा लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वाले में से भी हम 3 बार धागा लेंगे। तो फर्स्ट राउंड में हमने 5 पॉप बनाए थे, इस राउंड में हमारे टोटल 4 पॉप बनेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 बारी चेन लिया था। एक एक चेन हम लेते हुए जा रहे हैं हर पॉप को बंद करने के बाद। ये देखिए अब ये हमारे 3-3 फंदे हैं, 3-3 लूप, इनको हम बंद करेंगे, फिर एक चेन। इस तरीके से हम इसे चारों को बंद करेंगे। ये देखिए ये पूरा हमने बंद कर दिया। फिर से हम यहाँ पे धागा
नेक्स्ट वाले लूप से लेंगे। तो इस राउंड में हमारे टोटल 3 पब बनेंगे एंड हर राउंड में हमें 3-3 फंदा ही लेना है, एक भी फंदा हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 3-3 फंदा एक लूप से लेंगे। ये देखिए यहाँ पे, फिर हम जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड राउंड में बंद किया है वैसे ही हम पब को बंद करेंगे एंड एक चैन। तो इस राउंड में हमारे टोटल 3 पब बन के रेडी हुए एंड नेक्स्ट वाले में हमारे 2 पब बन के रेडी होंगे एंड हर बार हमें 3 लूप ही धागा लेना है। 3 बार धागा लेने के बाद फिर से हम इस वाले पब को भी बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 1 पब बनाना है क्योंकि हमारे पास एक ही लूप है, तो हम 1 पब बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमने 1 पब बना के कंप्लीट कर दिया। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट हमने यहाँ पे 5 पब बनाया था, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रॉबेरी शेप में बनाया है और फिर यहाँ पे 1 पब के ऊपर हमें इस तरीके से बनाना है। फिर से हम यहाँ पे 3 चैन लेंगे एंड फर्स्ट वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बना देना है एंड फिर जैसे हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया वाले लूप से हमने जैसे 13 फंदे लिए थे वैसे ही हमें इस राउंड में भी 13 फंदे लेने हैं और फिर यहाँ पे हमें 5 पब बनाना है क्योंकि जो हमने 3 चेन लिया और डबल क्रोशिया बनाया तो वो हमारा लूप बन गया, उसी लूप से हमें 13 बार फंदा लेना है। ये देखिए जैसे हम लिए थे और फिर इसमें से हमें 3-3 फंदे को बंद करते हुए हम टोटल 5 लूप बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एंड हर पब को बंद करने के बाद हमें एक चैन लेते हुए जाना है। ये देखिए सेम उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न बनाया था उसी तरीके से हमें कंटिन्यू बनाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 5 पब बना लिए एंड अब हम इस राउंड में हमारे टोटल 4 पब बनेंगे एंड 4 के ऊपर 3, फिर 3 के ऊपर 2 एंड फिर 1। इस तरीके से ये हर राउंड में इसी तरीके से बनता हुआ जाएगा। ये देखिए एंड हर लूप में हमें 3 बार ही धागा लेना है, 3 से ज़्यादा लेंगे तो ये हमारा मोटा हो जाएगा पब, तो हमारा डिज़ाइन परफेक्ट नहीं बैठेगा। हर एक राउंड में हमें उतने ही फंदे लेने हैं जितना कि हमने स्टार्टिंग में लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बनता हुआ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आगे का पैटर्न भी हमें बनाना है तो हम आपको बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने बाकी के पैटर्न भी बना लिए हैं, तो टोटल 4 पैटर्न हमने बनाया है। उसके बाद क्या करना है, हमें चेन लेना है। जैसे कि हमने फर्स्ट साइड पे चेन लिया था तो यहाँ पे टोटल 40 चेन लेना है। तो 40 चेन लेके उसके बाद दिखाते हैं। तो ये देखिए टोटल 40 चेन हमने ले लिया है एंड यहाँ पर हमें थोड़ा सा धागा बड़ा करेंगे एंड पहले वाले चेन से ही हम ये देखिए 4 बार धागा लेंगे एंड 1 पब बनाएंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट साइड में बनाया है 2 पब वैसे ही हमें बनाना है। तो 1 पब बनाने के बाद 1 चेन लेंगे एंड फिर नेक्स्ट वाला पब बनाएंगे। ये देखिए चार बार धागा लिया एंड फिर इस वाले पब को भी बंद कर देंगे एंड फिर जो फर्स्ट वाला पब बनाया था वहीं पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके एंड धागे को कट कर लेना है हमें। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमें एक एक मोती अटैच करना है। तो मोती आप सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं, ग्लू गम से भी अटैच कर सकते हैं हर एक पैटर्न पे। तो हम आपको मोती ज्वाइन करके दिखाते हैं।
तो ये देखिए पूरा हमने मोती ज्वाइन कर लिया है एंड आप देख सकते हैं इस तरीके से लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे आप पफ भी देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बन के रेडी हुआ है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।